हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होंगे। देखो, आप हम पढ़ रहे थे डायमेंशंस के बारे में, और जैसे डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस, और डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हमने क्या किया था कि भाई हमारे पास हमने कर ली थी, तीन टाइप कर ली थी, फोर्थ टाइप भी करने लग रहे थे। और फोर्थ टाइप में हमने ये कहा था कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कन्वर्ट कर रहे थे कि भाई दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे थे। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया था, तो हमने इसके अंदर पढ़ भी लिया था कि भाई स्टार सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि वैन 1 मीटर, 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स ऑफ 36 यूनिट्स, वाट विल बी इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। ये कहता है कि ये हमने फंडामेंटल यूनिट्स ली हैं और इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और कौन से सिस्टम में कैलकुलेट करनी है, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई फोर्स की डायमेंशन लिखूँ, तो हमने फोर्स की डायमेंशन बताई थी m1 l1 t-2 k बराबर आई थी। इस यूनिट के अंदर हम कहेंगे कि भाई f बराबर 36 यूनिट्स, और जो फंडामेंटल यूनिट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 36। मास की तो बताइए इसने किलोग्राम, लेंथ की बताई मीटर, और टाइम की बताई है इसने मिनट की पावर -2। दैट इज़ हम कहेंगे कि इस सिस्टम के अंदर जो फोर्स है वो कितना है, 36 किलोग्राम मीटर पर मिनट का स्क्वेयर। कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना है आपको, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और जब इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम इंटू 10^36 ग्राम, 1 मीटर बराबर 10^2 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड इसका स्क्वेयर। ऊपर देखो 36 × 10^5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन 36 × 100 सेकेंड का स्क्वेयर। 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। दैट इज़ हम कहेंगे F इज इक्वल टू 10^3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वेयर, और वी कैन से दैट 10^3 डाइन के बराबर होगा। दिस विल बी द वैल्यू इन न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारे पास इसके बराबर होगी। यहाँ पे ये दे रखा था कि ये फंडामेंटल यूनिट्स थी, तो हमने फंडामेंटल यूनिट्स थी तो फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में ही लिखा है, और दूसरे सिस्टम में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। स्टार से कन्वर्ट करना चाहते तो स्टार से भी कर लेते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। एक एनर्जी बताई है, और एनर्जी बताई है वो बताई इसने 100 जूल एनर्जी बताई है। इस एनर्जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी ऑन ए सिस्टम हुज फंडामेंटल यूनिट्स आर, जो कन्वर्ट करनी है उस सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स बताई हैं वो बताई है कि 100 ग्राम, 10 सेंटीमीटर एंड बताया है कि 1/2 मिनट, ये दे रखी है। इस सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगी वो बोलो हमारे पास किलोग्राम, मीटर और सेकंड होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि जूल एनर्जी की यूनिट होती है, और जूल जब एनर्जी की यूनिट होती है तो यही होती है। अब इसको कन्वर्ट करना है इस सिस्टम के अंदर। स्टार सिस्टम का नाम दे लेंगे, पहले तो एनर्जी के मेरे को डायमेंशन बताओ। एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, m1 l2 t-2 k बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या बताया, 100 जूल को मैं लिख सकता हूँ 100 किलोग्राम मीटर का स्क्वेयर पर सेकंड का स्क्वेयर।
इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और मैं यूँ मान लेता हूँ कि भाई 100 ग्राम है वो हमने मान लिया ग्राम स्टार के बराबर मान लिया। तो बोलो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम स्टार। सही है या गलत है? क्योंकि 100 ग्राम था वो किसके बराबर था, ग्राम स्टार के बराबर था। तो मैं यहाँ से यूँ कह सकता हूँ कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम स्टार के बराबर होगा। आगे देखो, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्टार मान लिया हमने, नया सिस्टम का नाम दिया है। तो यहाँ पे मीटर है तो मैं यहाँ से कहूँगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर स्टार के बराबर हो गया। उसके बाद क्या कहा है, उस सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें यूनिट है वो हाफ मिनट है। हाफ मिनट है तो इसका मतलब ये हो गया 30 सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड स्टार, और सेकेंड की वैल्यू क्या आई, सेकेंड स्टार अपॉन 30 के बराबर आ गई। देखो नया सिस्टम आ गया, नए सिस्टम के अंदर हमने क्या देख, 1 किलोग्राम था वो 10 ग्राम स्टार के बराबर आया, स्टार सिस्टम में कन्वर्ट किया है। 10 सेंटीमीटर था वो सेंटीमीटर स्टार था, तो 10 सेंटीमीटर स्टार हो गया। और जो सेकेंड था वो 1/30 सेकेंड स्टार के बराबर आ गया। अब इसमें कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे कह दो कि E इज इक्वल टू कितनी थी आपके पास, 100 × किलोग्राम में कितने ग्राम स्टार है आपके पास, 10 ग्राम स्टार, और मीटर में कितने हैं आपके पास, 10 सेंटीमीटर स्टार, इसका स्क्वेयर अपॉन सेकंड में कितने हैं आपके पास, 1/30 सेकंड स्टार का स्क्वेयर। ई इज इक्वल टू 10^3 भाई ग्राम स्टार। देख लो, 10 का स्क्वेयर करोगे तो 10 का स्क्वेयर सेंटीमीटर स्टार का स्क्वेयर अपॉन सेकेंड स्टार का स्क्वेयर अपॉन 30 का स्क्वेयर, और नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया। और E इज इक्वल टू 10^3, दो 10^5 इंटू 9 × 10^2 ग्राम स्टार सेंटीमीटर स्टार का स्क्वेयर अपॉन सेकेंड स्टार का स्क्वेयर। और जो एनर्जी की वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई E इज इक्वल टू 9 × 10^7 ग्राम स्टार सेंटीमीटर स्टार का स्क्वेयर अपॉन सेकेंड स्टार का स्क्वेयर। दैट इज हम कहेंगे कि न्यू सिस्टम में जो हमारे पास एनर्जी बनी वो इसके बराबर बनेगी। और जो न्यू सिस्टम है उसको क्या नाम दिया हमने, दिस सिस्टम इज नोन एज द स्टार सिस्टम। इसको वैसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने न्यू यूनिट को हमने स्टार सिस्टम का नाम दे लिया। और स्टार सिस्टम से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखो, आगे हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलो। आगे हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी के अंदर आता है। और वो क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर, ये कहता है कि भाई फोर्स है उसकी यूनिट बताई, इसने 20 न्यूटन के बराबर बताई। एनर्जी की जो यूनिट बताई वो 200 जूल के बराबर बताई। एंड ये कहता है कि जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट बताई है 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर बताई है। फाइंड द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है मास की, लेंथ की एंड टाइम की। यहाँ पे क्या दिया इसने, फोर्स की यूनिट दी है। और जो फोर्स की यूनिट दी है वो हमारे पास किसके बराबर बताई, इसने 20 न्यूटन के बराबर बताई है। एनर्जी की जो यूनिट बताई है वो हमारे पास 200 जूल के बराबर बताई है, और वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर बताई है। तब ये कहता है कि हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है मास की, लेंथ की और टाइम की। पहले डायमेंशन बोलो फोर्स की, M1 L1 T-2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। एनर्जी के हमारे पास डायमेंशन होती है M1 L2 T-2 इज इक्वल टू 200, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1 T-1 इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है इसने,
5 के बराबर दे रखा है। मैं यूँ कहता हूँ कि एनर्जी को, मतलब ये इक्वेशन नंबर एक, ये इक्वेशन नंबर कह दी मैंने दो, और ये इक्वेशन मैंने कह दी कि भाई 3 नंबर इक्वेशन है। मैं 2 नंबर इक्वेशन को 1 नंबर इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ। देखो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, m1l2t-2 अपॉन m1l1t-2 इज इक्वल टू 200/20। राइट साइड में तो आ गया 10, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, m की डायमेंशन m को मार देगी, 1l की डायमेंशन 1l को मार देगी, और t की डायमेंशन t को मार देगी। तो ऊपर हमारे पास बची l की डायमेंशन, और l की डायमेंशन इज इक्वल टू कितना आया, 10। l बोलो क्या है आपके पास, लेंथ। तो हमने कह दिया कि जो लेंथ आई, लेंथ की जो यूनिट आई वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, 10 मीटर के बराबर आ गई। लेंथ की यूनिट को इसमें लिखो, इक्वेशन नंबर 3 में। भाई मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से मैं यूँ कह सकता हूँ, t-1 इज इक्वल टू 5/10। 5/, एक बार इसको पूरा करते हैं l, और l की वैल्यू 10 थी, तो 5/10 इज इक्वल टू 1/2। और t-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t इज इक्वल टू 1/2, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t की डायमेंशन कितनी है आपके पास, 2 सेकेंड। टाइम की कितनी आ गई, 2 सेकेंड आ गई यूनिट। लेंथ की कितनी आ गई, 10 मीटर के बराबर आ गई। अब हमें किसकी चाहिए, मास की चाहिए, और मास की जैसे हमें चाहिए तो मैं यहाँ पे चाहिए तो इक्वेशन एक में पुट कर लूँ, चाहिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लूँ। एक से मास की वैल्यू निकालूँ, एम इज इक्वल टू 20/L1 और t-2, और इसको मैं यूँ लिख लूँ, 20/L(t2), और ये आया 20 × टाइम की यूनिट कितनी थी, 2 सेकेंड, 2 का स्क्वेयर 4 अपॉन लेंथ की कितनी थी, 10, और बोलो कितनी आ गई, 8 kg के बराबर आ गई। तो हमने क्या कैलकुलेट किया कि हमने कैलकुलेट किया है कि भाई हमारे पास लेंथ की यूनिट क्या होंगी, उसके बाद ये कहता है मास की यूनिट क्या होंगी, और टाइम की यूनिट है वो क्या होंगी। अगर हमारे पास फोर्स की यूनिट दे रखी है, एनर्जी की यूनिट दे रखी है, और वेलोसिटी की यूनिट है वो हमारे पास गिवन है, पहले डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशंस को आपस में डिवाइड करना है क्वांटिटीज़ को, जो भी आएगा वो हम कैलकुलेट कर देंगे। तो बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया है कि ये बताया है कि इफ यूनिट ऑफ लाइट इज टेकन एज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ लाइट है, इट इज टेकन एज द यूनिट ऑफ, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, सॉरी, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज टेकन एज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की जो यूनिट बताई, लाइट की स्पीड बोलो कितनी होती है, 3 × 10⁻¹ m/s। ये तो हमने क्या बताया है कि भाई यूनिट बताइए वेलोसिटी की, एंड ईयर इज टेकन एज द यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। देन ये कहता है वाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। पहले तो ईयर के अंदर टाइम निकालो, कितना आएगा, 2365 days × 24 hours × 3660 सेकेंड के बराबर आ गया। अपने को क्या चाहिए कि लेंथ चाहिए। भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉर्मूला की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और वो पढ़ा था हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर पढ़ा था। और अपने को जब लेंथ चाहिए तो इसका मतलब कि लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास आया वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर आ गया। और डिस्टेंस की हमने कह दिया कि भाई डिस्टेंस है वो लेंथ है, तो वेलोसिटी आ गई 3 × 10⁻¹
3 6 5 × 24 × 3 6 00 मीटर। और बोलो, हमने जब एक बताया था पीछे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर, और इसकी वैल्यू आई 9.46 × 10^15 मीटर के बराबर आ गई। दिस विल बी द यूनिट ऑफ लेंथ, ये हमारे पास यूनिट होगी। और किसकी यूनिट होगी? आपके पास लेंथ की यूनिट होगी। एक क्वेश्चन और देखो, अभी हमने मास, लेंथ और टाइम की यूनिट कैलकुलेट कर रहे थे, इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन देखो। इफ यूनिट ऑफ फोर्स वर किलो न्यूटन, फोर्स है उसकी यूनिट बताई किलो न्यूटन, किलो में 10^3, इसका मतलब ये हो गया फोर्स की यूनिट हो गई 10^3 न्यूटन। दैट ऑफ टाइम इज मिली सेकेंड, टाइम मिली सेकेंड, मिली में बोलो 10^-3 सेकेंड, एंड दैट ऑफ पावर इज किलो वाट, वाट इज द यूनिट ऑफ, वाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी वाट वुड बी द यूनिट्स ऑफ मास एंड लेंथ। हमें कैलकुलेट करनी है यूनिट, किसकी कैलकुलेट करनी है? मास की और लेंथ की यूनिट्स हैं वो हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन दे रखा है यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन, टाइम इज मिली सेकेंड एंड पावर इज किलो वाट। देन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ, मास की और लेंथ की यूनिट्स हैं वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले वही करो, फोर्स की डायमेंशन बताओ, M1 L1 T-2 इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख सकता हूँ 10^3 न्यूटन। टाइम की डायमेंशन T इज इक्वल टू -3 सेकेंड, और पावर की बोलो कितनी होती है? M1 L2 T-3 किलोवाट दे रखा है, और किलोवाट का मतलब कितना हो गया? 10^3 वाट के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। तीन को डिवाइड कर दो किससे? एक से। आया M1 L2 T-3 अपॉन M1 L1 T-2 इज इक्वल टू 10^3 अपॉन 10^3। मर गया, M1 ने M1 को मार दिया, L1 ने L1 को मार दिया, T-2 ने T-2 को मार दिया। बोलो क्या बच गया? L1 T-1 इज इक्वल टू 1। लेंथ निकाल ले तो L1 इज इक्वल टू 1 अपॉन T-1, और बोलो क्या लिख दूँ मैं? T1। टाइम की क्या दे रखी है? 10^-3। देयरफॉर हमने कह दिया कि जो लेंथ की यूनिट आई वो आई हमारे पास 10^-3 मीटर के बराबर आ गई। दिस विल बी द यूनिट ऑफ लेंथ। उसके बाद क्या कहता है कि हमें मास की चाहिए। चाहिए तो एक नंबर इक्वेशन पुट कर लो एल और टी की वैल्यू, और चाहिए तीन में पुट कर लो। M1 इज इक्वल टू 10^3 अपॉन L1 T-2, और M1 इज इक्वल टू 10^3 अपॉन L1। L1 देखो 10^-3 इंटू T1 देखो 10^-, यहाँ पे देखो L1 T-2 -3 इसका होल स्केयर, यही आएगा, यही आया भाई हमारे पास। M1 इज इक्वल टू 10^3 अपॉन L1 T-2, और ये आ गया हमारे पास इसकी पावर -2। देखियो भाई M1 10^3 इंटू, नीचे से ऊपर ले आओ, 10^-3 इंटू 10^-3, ऊपर गया तो 10^3
6 हो गया। नीचे से इनके मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 10^+6, तो ऊपर जाके कितना हो गया 10^-6। और M1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 1 किलोग्राम के बराबर आ गया। तो यूनिट ऑफ लेंथ आई हमारे पास 10^-3 मीटर, और मास की यूनिट जो आई वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, आपके पास 1 किलोग्राम के बराबर आ गई। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि एक्स एंड ए स्टैंड फॉर डिस्टेंस, एक्स है एंड ए है, ये हमारे पास डिस्टेंस के लिए स्टैंड्स करते हैं। देन ये कहता है कि इज इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन इनवर्स ए अपॉन एक्स, डायमेंशनली करेक्ट और रोंग। दो मेथड से कर सकते हैं इसको। मैं पहले तो यहाँ पे पहला मेथड बताता हूँ कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ एक्स की फॉर्म में आएगा। और हम यूँ कहते हैं कि लॉग की फॉर्म में जब भी आता है तो वो हमेशा क्या होती है कि भाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है तो लेफ्ट साइड तो डायमेंशन लेस आ गई, और टी रेशियो जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होता है। लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए होगा तो 1 अपॉन L1, और यह हमारे पास L-1 के बराबर आ गया। तो लेफ्ट साइड तो आ गई डायमेंशन लेस, और राइट साइड है उसकी क्या, आपके पास डायमेंशंस हैं। देयरफॉर हम कहेंगे कि भाई दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली रोंग। ये फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या रहेगा कि भाई आपके पास डायमेंशनली रोंग होगा। आगे क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाई एन इज इक्वल टू -d इंटू N2 -N1 अपॉन X2 -X1 आर क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। क्रॉसिंग ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो यूनिट एरिया को क्रॉस करते हैं पर यूनिट टाइम, मतलब एन हो गया तो ये क्या हो गया कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एरिया इनटू टाइम। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2, 4, 6, 20, 50, 100, 1000, 2000 यही होंगे। और जब ये होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि नंबर है वो डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एरिया की L2 और टाइम की T1, तो मैं यहाँ से एन की डायमेंशन लिख सकता हूँ L-2 T-1। N1 N2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, N1 N2 बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। और देखो भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूँगा तो कोई भी, ये भी आपके पास नंबर होंगे 2, 4, 20, 50, 100, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। 1 अपॉन L3 नीचे से ऊपर लिया हो L-3, और X1 X2 है उसका मतलब हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स से है, तो एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग जाता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, सॉरी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब कोई ना कोई लेंथ होगी। और X2 -X1 है, ये हमारे पास क्या आ गई, आपके पास डिस्टेंस आ गई। और डिस्टेंस की हमारे पास डायमेंशन कितनी आई, L1। हमें डी की डायमेंशन चाहिए, तो डी की डायमेंशन चाहिए तो पहले डी की वैल्यू निकालो। डी इज इक्वल टू -N(X2-X1)/N2-N1। और यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे डायमेंशन मैं लिखता हूँ, डी इज इक्वल टू एन की कितनी आई हमारे पास L-2 T-1 L1 अपॉन L3, नीचे से ऊपर ले आओ डी इज इक्वल टू ऊपर तो आया L-1 L-3 है L-1 T-1 अपॉन L-3, नीचे से ऊपर ले आओ तो डी की वैल्यू कितनी आएगी L2
टी माइनस वन के बराबर आएगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट, जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आ गई। ये हमारे पास सारा का सारा हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा है। ये तो था हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस। ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि द इक्वेशन इन द इक्वेशन, हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के, ओमेगा का और के का हमें क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, वेयर एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम। देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एम्पलीट्यूड है, एक्स डिस्टेंस और टी टाइम ये एंगल है, और हमने पढ़ रखा है कि एंगल है वो हमेशा क्या होता है कि भाई डायमेंशनलेस होता है, और डायमेंशनलेस होता है तो मैं कहूँगा कि एंगल में से ही तो एंगल घटेगा भाई, 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू बोलो 15 डिग्री आएगा या नहीं, और 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये भी कितना आएगा 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कोई एंगल थीटा है, ये भी हमारे पास क्या है कोई एंगल थीटा, क्योंकि एंगल में एंगल जोड़ सकते हैं, एंगल में से एंगल है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने कह दिया कि ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल, और हमें डायमेंशन किसकी चाहिए, ओमेगा की चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टी, एंगल, एंगल मैंने बताया डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस है तो नहीं लिखेंगे इसकी, अपॉन टी बताया टाइम, टाइम की टी वन, नीचे से ऊपर ले आओ बोलो कितनी आ गए आपके पास टी माइनस वन, और भाई के एक्स है वो भी एंगल है, के की डायमेंशन से ये, तो ये आएगा एंगल अपॉन एक्स, एंगल डायमेंशनलेस, और एक्स लेंथ तो कितनी आ गई एल माइनस वन के बराबर आ गया। ये तो हमने के की डायमेंशन बता दी, ये किसकी डायमेंशन बताई हमने ओमेगा की। कई बार हमें ये भी पूछ लेता है कि भाई ओमेगा अपॉन के की डायमेंशन बताओ, ओमेगा की डायमेंशन बोलो कितनी है टी माइनस वन, और के की कितनी है आपके पास एल माइनस वन, नीचे से ऊपर ले आओ एल वन टी माइनस वन, और अगर आपसे पूछ ले कि एल वन टी माइनस वन डायमेंशन वेलोसिटी की, तो हम कहेंगे कि ये डायमेंशन किसकी होगी आपके पास वेलोसिटी की होगी, और ये आगे हम वेव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, भाई दिस वेलोसिटी इज नोन एज द वेव वेलोसिटी।